सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, चतुर्ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का स्वामी सूर्य है और सौरमंडल में ही हमारी पृथ्वी भी मौजूद है, जिसमें हम रहते हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है, जिसके कारण ही आज पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। सूर्य यानी सौरमंडल का प्रधान। सूर्य का जीवन काल लगभग 10 बिलियन वर्ष है तथा इसकी वर्तमान आयु 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य हमारी मंदाकिनी यानी मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपना एक चक्कर यानी मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर लगभग 25 करोड़ साल में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 25.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य तत्व उपस्थित हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका तापमान 1.5×10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जिस सतह पर प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाशमंडल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण होता है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसे परिमंडल या कोरोना कहते हैं। ये एक्स किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य की सतह से निकलने वाली विशाल ऊर्जा जो उच्च गति वाले परमाणु, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है, जिन्हें कॉस्मिक किरणें कहते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है।